नास ने अपनी उंगलियों पर नचाया निखिल को, नहमत पर टूटी मुसीबतों का पहाड़। जी हां, कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो डारिया में आप देखेंगे कि कैसे एकम जैसे ही नहमत से मिलेंगे वैसे ही नहमत को ये बात पता चलेगी कि किस तरह मल्लिका ने अद्वैत और नहमत को साथ में देख लिया था, जिसके कारण मल्लिका बेहद ज्यादा गुस्सा और नाराज है। हालांकि इस दौरान नहमत एकम को कुछ ज्यादा तो नहीं बताएंगी, लेकिन अपनी सहेली को मनाने के लिए जा पहुंचेंगी मल्लिका के घर, जहां पर एकम और नहमत अपनी तरीके से मल्लिका को मनाते नजर आएंगे और नहमत मल्लिका से मांगेंगी माफी, बताएंगे कि किस तरह उन्हें अपने काम के लिए अद्वैत से मिलना था और इसके पीछे और कोई वजह नहीं है। हालांकि पहले तो मल्लिका एस्ट्रोलॉजी की बात करने पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएंगी, पर नहमत मल्लिका को संभाल ही लेंगी। इसी के साथ नहमत एकम से भी ये वादा करेंगी कि वो कल जरूर आएंगी अपने उस दिन को सेलिब्रेट करने, जिस दिन दोनों ने ही एक दूसरे से प्यार का इजहार किया था। पर जैसे ही होगी रात वैसे ही अद्वैत करेंगे नहमत को कॉल, बताएंगे कि किस तरह उन्हें शिमला जाना पड़ेगा काम के लिए। हालांकि शिमला जाने के लिए नहमत निकल तो पड़ेंगी, पर उन्हें इस बात का डर सताएगा कि कहीं वो शाम से पहले घर अगर वापस लौट नहीं पाई तो क्या होगा, करेंगी वाहेगुरु जी से अरदास। तो वहीं नहमत निखिल के साथ शॉपिंग करती नजर आएंगी, जब दूसरी तरफ जैस्मिन अपनी बेटी को याद कर होंगी दुखी, बताएंगे कि किस तरह कि उन्होंने जिस आदमी से शादी की है उन्होंने जैस्मिन को तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन उसके पास्ट को नहीं, और इसीलिए जैस्मिन अपनी बेटी को उनके पास तो रख नहीं पाई लेकिन उन्हें कोई तकलीफ भी होने नहीं देगी। वेल, अब ये देखना बाकी बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जैस्मिन के रहते नहमत को मिलेगी उनकी खुशियां। टेलीविजन से जुड़ी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट एंड गॉसिप के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। देखते रहिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।